सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको व्हाट्सएप की एक ऐसी फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे अगर आपको कोई भी अननोन पर्सन जिसे आप नहीं जानते हैं, आपके वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं है और उसका आप रियली में नाम पता करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी तरीकों से उसका नाम पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस ट्रिक के मदद से आप कर सकते हैं। और एक और मैं आपको व्हाट्सएप की नई अपडेट के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखिए ऑल इन हिंदी। तो जहाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ इस स्मार्टफोन में, मैं अभी पुराना वाला व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसे अपडेट नहीं किया हूँ। और जो मैं अभी आपको फीचर बताने वाला हूँ वो आपको अपडेट वाले वर्जन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम सारे फीचर को जान लेते हैं कि आप कैसे किसी भी अननोन पर्सन को उसका नाम, रियल नाम आप जान सकते हैं। तो बिना वेस्ट किए टाइम चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जहाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप अपडेटेड है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले फीचर को जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पहला फीचर के बारे में बता दूं कि यहाँ पे आप किसी भी फोटो को, अगर आप किसी भी फोटो को अगर आप चाहते हैं कि उसे रियली में आप उसे जूम करके देखना चाहते हैं, तो आप इस ट्रिक की मदद से जूम कर सकते हैं। इस नए फीचर की मदद से आप जूम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी फोटो को, आप व्हाट्सएप के किसी भी फोटो को जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पुराने वाले में दिखा दूँ व्हाट्सएप में कि आप इस फोटो को जूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पे डबल टैप कर रहा हूँ तो मैं इस पे जूम नहीं कर पा रहा हूँ। ये पुराना वाला वर्जन है जिसमें मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, और ये लेटेस्ट वर्जन है जिससे हम आराम से जूम करके और इसकी फीचर को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो देख सकते हैं हम आराम से इसे जूम करके देख पा रहे हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट फीचर है जो व्हाट्सएप में बहुत ही कमाल की इंक्लूड किया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी अननोन पर्सन यानी कि आपको मैसेज करता है तो आप उसका नाम जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आप उसका नाम जान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी इसका पूरा नंबर प्रोफाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसे ही इसका प्रोफाइल ओपन किया तो यहाँ पे मुझे इसका नाम पता चल जा रहा है। तो मैं अभी आपको क्लोज करके दिखा दूँ कि ये इसका नंबर है और यहाँ पे इसे मुझे नाम इसका पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है प्रिंस ताहिर, जो कि इसे अपने नाम को सेव करके रखा है। तो अगर किसी पर्सन ने अपना नाम सेव करके रखा है तो आपको तुरंत उसका नाम पता चल जाएगा कि वो कौन नाम से अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल क्रिएट किया है, और आपको उसका रियल नेम पता चल जाएगा। तो मैं अभी आपको दूसरा प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैं अभी इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसका नाम पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर को, अगर आपका अननोन नंबर है, अगर उसने अपना नाम सेव किया है तो आपको तुरंत उसका नाम, रियल नाम आपको पता चल जाएगा इस नए व्हाट्सएप के फीचर से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोनों व्हाट्सएप की नई फीचर, तो आप जरूर से इसे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो जहाँ दोस्तों, अब बात आती है कि आप अपने व्हाट्सएप में इस फीचर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो जहाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर ऑन करना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक फीचर मिलेगा तो जिसका नाम है बीकम ए बीटा टेस्टर। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आई एम इन, इसका मतलब आप अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप बीटा टेस्टर में इनरोल हो जाएंगे। तो सिंपल सा आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपको बीटा टेस्टर में ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि आप इस फीचर को लुप उठा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं फीचर यूज कर रहा हूँ उसमें तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप इस फीचर को लुप्त उठा सकते हैं। तो बस आपको कुछ करना नहीं, आपको सिंपल सा ज्वाइन हो जाना है, और ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा लीव का। तो यहाँ पे आपको ये 30 मिनट का टाइम लेगा, जिसके आपको तुरंत बाद आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको रियली में पसंद आई तो जरूर से इसे एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें कि आप इस ट्रिक को मदद से आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो रोजाना बनाते रहता हूं। और इस बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें ताकि आप ऐसी वीडियो कभी मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।